क्या आप भी हैं डायबिटिक पेशेंट? आप भी कहीं कट जाते हैं, छिल जाते हैं और घाव सही होने का नाम नहीं लेते हैं? आपके भी घाव के निशान नहीं जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें? तो बस आज का वीडियो आपके लिए है, आप ये वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें आज मैं इतनी सारी जानकारी देने वाली हूँ जो आपको बहुत जगह काम आने वाली है। मैं आज एक ऐसी हर्ब के बारे में, एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं, ना जाने कितनी चीजों में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। कहते नहीं है कि सर से पांव तक लेकर के ये गुणों से भरा हुआ है, वैसे ही ये जो पेड़ है इसकी छाल, फूल, फल, जड़ सब कुछ गुणों की खान है। आप लोगों ने धन्वंतरी जी का नाम सुना होगा, कहते हैं आयुर्वेद का जिक्र चले और धन्वंतरी जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी एक आयुर्वेद का कलश लेकर प्रकट हुए, ये चीज सबको पता है। उस कलश में से एक चीज जो उत्पन्न हुई उसे कहते हैं कदम का पेड़। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है, कहते हैं कि जो हमारे भगवान विष्णु जी हैं वो जब धरती पर आते थे तो कदम के वृक्ष पर ही बैठते थे, कदम के वृक्ष की ही छांव, फल, फूल उनको सब बहुत भाता था। यह पेड़ इतना ज्यादा गुड़ों की खाने की, जब आप इसके बारे में पता लगाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। पर जैसे कि आज आपने शुरुआत में देखा कि हम डायबिटीज पे बात करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले डायबिटीज पे ही बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये पेड़ है आपका कदम का, और ये जो छाल है, इसकी जो छाल है ये और इसके जो पत्ते हैं, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही औषधि से परिपूर्ण है। डायबिटिक पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वो कट जाते हैं, वो कहीं छिल जाते हैं तो उनके घाव नॉर्मल पर्सन से थोड़ा लेट में सही होते हैं, और उनके देर में सही हो जाने की वजह से उनमें इन्फेक्शन भी बढ़ता जाता है, हो सकता है वो पक भी जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें पस भी आ जाता है। तो कैसे वो क्या करें जिससे उनके घाव थोड़ा जल्दी सही हो जाए? टाइप 2 डायबिटीज में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या करना है, ये जो कदम के पत्ते हैं इन पत्तों को थोड़ा सा सेक लेना है। जी हाँ बिल्कुल, इनको थोड़ा सा गर्म करिए और आप इनको जहाँ पे आप छिले हुए हैं, घाव नहीं है, जहाँ पे छिला हुआ है वहाँ पे आप इसको बांधिए। 2 से 3 दिन में आपके घाव पूरी तरह से सही हो जाएंगे, उनके निशान के निशान भी धीरे धीरे चले जाएंगे। लेकिन कहीं पे घाव ज़्यादा हो गया है, ब्लड आ गया है, तब क्या करना है, तब आपको क्या करना है, इन्हीं पत्तों को आपको और इसकी छाल जो ये चीज होती है, ये आप किसी शार्प नाइफ से निकाल लेंगे, किसी तेज चाकू से ये निकाल लेंगे, और इनके पत्तों को पीस के एक अच्छा सा पतला महीन लेप बनाना है, और उस लेप को अपने घाव पे लगाना है, और उसे जैसे पट्टी बांधते हैं तो वहां पे पट्टी का नहीं यूज करना, आपको इन्हीं पत्तों का यूज करना, उस लेप के ऊपर इन्हीं पत्तों को धुल के साफ करके आपको लगा देना है, और किसी कपड़े से या फिर आप पट्टी से, बैंडेज से बांध दीजिए कि ये रुक जाए, और इस पत्ते को उस लेप से ढक देना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और अगर आप इसका हफ्ते भर यूज करते हैं तो घाव का निशान भी चला जाएगा। ये हो गई घाव की बात। ये आपको पता है इससे ऐसा क्या है जो ये सबसे ज्यादा इसको सही कर देता है, क्या है ऐसा जो सही करता है, इसमें क्या ऐसा पाया जाता है जो घाव को इतने, इसमें पाया जाता है मेथनालिक अर्क। ये अर्क घाव को भरने में बहुत सुपर डुपर पावर के साथ काम करता है, ये घाव को बहुत जल्दी भर देता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट जब इसको लगाते हैं तो उनका घाव भी जल्दी से जल्दी भर जाता है। सूत्र संहिता में भी इसका बहुत अच्छे से वर्णन है, कभी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। कम से कम 5 से 6 पन्ने सिर्फ कदम के पेड़ की वो क्या बोलते हैं बखान करने में ही लिखे गए हैं उसमें। अब बात करते हैं कि इसमें और ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भी भरपूर हैं। ये जो पेड़ है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से भी भरा हुआ है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ ये आपकी स्किन को भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे आपको पिंपल्स नहीं जा रहे हैं और पिंपल्स के मार्क भी रह रहे हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के फेस के इस एरिया पे खूब सारे पिंपल्स होते हैं, और फिर क्या होता है जब पिंपल्स सही हो जाते हैं तो उसके मार्क रह जाते हैं। आपको भी क्या करना है, इसको उबाल लेना है, उबाल के इतना उबालना है कि पानी का रंग अच्छे से हरा हो जाए, और उस पानी को से आपको अपने फेस को धुलना है, और रात में इन्हीं पत्तों को और इसकी छाल को पीस के जैसे आपने घाव पे लगाया था सेम वही प्रोसीजर अपने चीक्स पे करना है। देन सुबह इसी पानी से आपको धुल लेना है। सिर्फ 7 से 8 दिनों में आप इस समस्या से भी निजात पा जाएंगे। आपको पता है कदम के पेड़ में ब्रेस्ट कैंसर,
को रोकने की भी बहुत ज्यादा क्षमता होती है। जो कोशिकाएं होती हैं जो बढ़ने लगती हैं जिससे कैंसर बनता है उसको रोकने के लिए कदम में सबसे ज्यादा ताकत होती है। जो इसका फूल होता है, इसके फूल का कभी आप किसी ने देखा होगा तो आकार एक बॉल के जैसा होता है जिसमें नोक होती है, एक बॉल होता है जिसमें नोक होती है, जैसे वो लगता है किसी अपने फल को जैसे वो बचाव करता है, फल को बचाव करता है, सेम वैसे ही आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को वैसे ही वो कैंसर से भी बचाता है। जब आप इसके फल का सेवन करते हैं नियमित रूप से तो आपको आपकी जो कैंसर को बढ़ाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो बनना ही बंद हो जाती है। मतलब आप लाइफ टाइम के लिए कैंसर से आपको प्रिवेंट करने में ये बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच, प्लीज ट्राई दिस रेमेडी। ये पेड़ को भी आप बहुत अच्छे से ढूंढिए, अपने घर पे आप भी आप इसको लगा सकते हैं, इसको लगाइए भी और इसको मेडिसिन के तरह यूज़ भी करिए, क्योंकि जो हमारी इंडिया में हर्ब्स है ना उनका कोई तोड़ ही नहीं है। वो जो चीज़ें जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो पता है क्या होता है, वो सही तो कर देते पर उसके आने के चांसेस रहते, पर हमारे जो आयुर्वेद में चीज़ें हैं वो जड़ से चीज़ों को ख़त्म करते हैं, मतलब एकदम पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप इसकी पत्ती, पेड़, फूल, जड़ सबका यूज करिए और अच्छे अच्छे कमेंट से हमारा कमेंट बॉक्स भर दीजिए। बाय बाय।